हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है, गर्मी का सीज़न चालू हो गया है और इस गर्मी के सीज़न में कई पक्षी बेचारे पानी नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। सो ऐसा देख के आपको पता है कितना बुरा लगता है जब कोई पक्षी मरता है। सो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं बनाने वाला हूँ पानी का परिंदा पक्षियों के लिए, जो ये पक्षी घूमते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी पक्षी की पानी नहीं मिलने के कारण मौत हो। सो दोस्तों, आप भी अपनी छत पे पानी के परिंदे लगाना, और हम छत पे भी परिंदे बनाएंगे, और एक अपने हाथ ऑयल टैंक आता ना उसका परिंदा बनाएंगे आज के व्लॉग में। तो दोस्तों, हम काम शुरू करने वाले हैं। नितेश भाई ने ग्लेंडर भी ले लिया है और ये पीपा भी ले लिया है हमने, तो ये पीपा, और अब नितेश करेगा काम चालू। नितेश, तू काटेगा या मैं काटूँ? पूरी तरह से अच्छी तरह से काट दिया है और हमने ग्लेंडर की सहायता से कटा है। बहुत वैसे तो बहुत मेहनत लगती है नितेश भाई, है ना? सो ये साइड तो बिल्कुल फिनिश कटी है। कहाँ से कटी? परफॉर्मेंस हमने कर दी है, इतना तो काट दिया है इसको, और आगे का प्रोसेस अब आपको दिखा देंगे हम। मस्त लग रहा है ना? हाँ, अब ज़्यादा मेहनत तो अभी है, काटने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आधा काम तो हो गया है इसका और अभी बहुत काम बकाया है इसका। इसको सही डाल दिए तू? हाँ, यहाँ पे भी कट लगानी पड़ेगी। यहाँ पे, हाँ यहाँ पर लगा दिए कट। कट सही है ना? हाँ। बस दोस्तों, आधे से ज़्यादा काम हो गया और हवा भी चल रही है, आंधी का मौसम हो रहा है, फुल बरसात भी आ सकती है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने परिंदा बना तो दिया है, पूरी अच्छी तरीके से बनाया, बहुत हमने उम्मीद भी नहीं की थी इतना अच्छा बन जाएगा, और आप नितेश भाई के हाथ में देख रहे होंगे कितना बढ़िया बनाया है। सो दोस्तों, आंधी और बरसात आने के कारण हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको सुबह लगाएंगे, क्योंकि अब बारिश में भीग गए हैं पूरे, और अभी हम छत पे आए हुए हैं, तो इसको सुबह लगाएंगे नितेश भाई, और कोचिंग से आके लगा देंगे, और सुबह मिलते हैं आपसे। इसको रख के आ जा तू, और ये सामान भी ले चल। यार थोड़ा गंदा हो रहा है, इसकी सफाई कर ले पहले। हाँ, साफ से धोएंगे, इसमें तेल भी है। कर लिया साफ? हो गया, ऊपर से तो मत कर, इतना ऊपर कौन आएगा। लगाएंगे हम इसको, नितेश भाई पीछे जुगाड़ कर रहा है कैसे लगाए, तार वार बंधे हुए हैं। नितेश, इसके पहले भी पिछली बार भी बांधा था मैं, पर उसको खोल दिया था मैं। इसको काट दे, चक्कू भी रखता है ये जेब में ही। इस इन चारों में तो दाना और उसमें पानी, मोड़ इसको। इतना नीचा रखना कि दादाजी भी आराम से पानी डाल सके इसमें। दादाजी डालेंगे ज़्यादा से पानी, नहीं इतना नीचा तो नहीं। वो ले चल, वो ले चल, इतना तो सही है, ये इसके टच नहीं हो खूब, अब बस अब सही है। और ऊपर करना होगा तो कर लेंगे, नीचा करना होगा तो कर लेंगे। तो लक्की भाई इसको यहाँ से सही करना,
इसको बीच में ले जाके टाइट करना, बीच में है यहाँ, टाइट कर दी इसको यहाँ। तो दोस्तों परिंदा तो हमने अच्छी तरह लगा दिया है बना के, और ये लग भी बहुत अच्छा रहा है। अब कमी रही है इसमें दाना और पानी डालने की, जो नितेश लेके आ रहा है इसमें पानी डालेंगे यहाँ पे और दाना चारों तरफ रहेगा। पानी तो मैं लेके आ गया हूँ और दाना केसू लेके आ गया है। तो केसू दाना डाल इसमें, पानी में डालता हूँ। अभी तो अपने पास बाजरा ही है, फिर इसमें गेहूँ कल डालेंगे। एक साइड डाल, कम कमी डाले एक बार तो बस रहने दे। और सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने परिंदा बना दिया है, और ये इसमें दाना भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया, और ये परिंदा यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है इस पेड़ में। ये लोकेशन बढ़िया है, और आप कमेंट करके बताना ये लोकेशन आपको कैसी लगी, या फिर हम लोकेशन चेंज करें। और दोस्तों अब हमारे को इंतज़ार है यहाँ पे पक्षी आने का, तो आज तो शायद ही आ पाएंगे पक्षी यहाँ पे, क्योंकि शाम हो गई है और पूरे पक्षी अपने घरों में बैठ गए हैं। और कल 100% यहाँ पे पक्षी आ जाएंगे और पानी पीने आएंगे, और ये देख कर हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से कितने लोगों को पता लगेगा कि परिंदा बनाना कितना ज़रूरी है और कैसे बनाते हैं। सो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो कैसे चले, ये उठा ले दाना और बाल्टी, और इसमें कब कल सुबह देख लेंगे, पानी को ख़राब नहीं होने देंगे और दाना भी सही है। तो आधा लिया।